अबू घर का सारा राशन खत्म हो गया है, शाम में क्या खाएंगे, कुछ इंतजाम कीजिए ना। बैठो बेटे यहाँ। क्या करूं, इस लॉकडाउन ने तो पूरा धंधा चौपट कर दिया है। जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है बेटे, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये दुकान तो बंद नजर आ रही है, लगता है लॉकडाउन की वजह से बंद होगी। मेरे मौला, अब मैं क्या करूं, अब तो बस तेरा ही सहारा है। ये बंदा बहुत परेशान लग रहा है, शायद मदद की जरूरत है। चलो देखता हूँ। क्या बात है अबू, आप खाली हाथ घर वापस आ रहे हैं, कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? क्या बताऊं बेटे, इस लॉकडाउन ने तो सब की हालत खराब कर दी है। मेरी नौकरी चली गई है, क्या करूं, अब पैसा कहां से लाऊं, जेब में एक भी रुपया नहीं है। अभी एक दुकान में गया था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन दुकान भी बंद है, समझ में नहीं आता है क्या करें। चलो, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, उसी से हमें उम्मीद रखना चाहिए। अच्छा तो ये बात है, वाकई इस भाई को मदद की ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो बेटे, लगता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, जाके देखो कौन है। अबू ये गेट का बाहर मिला है, कोई इसे रखकर चले गया। बेटा ये तो राशन है, लगता है इसे किसी ने हमारे लिए रखा है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके आस पड़ोस में भी कई लाचार और मजबूर लोग होंगे जो इस लॉकडाउन में परेशान होंगे, तो उन लोगों का ख्याल आप ज़रूर रखें। चाचू लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।